नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। संवाद में आज हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन के संपादक राकेश रंजन जी के साथ, झारखंड से। अभी लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने फिर से सुशांत सिंह राजपूत का मामला उठा दिया है, और चूंकि अब चुनाव का समय है अभी लोकसभा का और उसके बाद विधानसभा का, तो ऐसे समय में इस तरह के मुद्दे जो जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका जांच में, और अभी भी के क्या सच्चाई है किसी के बारे में, मैंने किसी को कोई जानकारी नहीं है, तो आप चिराग पासवान के इस पहल को किस रूप में देख रहे हैं और इसकी क्या गंभीरता है, अगर वो नीतीश सरकार से अगर ये सवाल कर रहे हैं तो, क्योंकि नीतीश सरकार ने कोई पहल नहीं की, इस तरह का उनका आरोप है। देखिए, चिराग पासवान ने जो बातें कही है ना, वो बिहार की जो शासन व्यवस्था है, ठीक है, और जो बिहार के मुखिया हैं उनके कार्यशैली को लेकर के वो बातें कही है उन्होंने। और वो जो समग्र बातें हुई है उसमें एक सुशांत सिंह राजपूत की भी चर्चा हुई है। उसमें चिराग जो सवाल उठाना चाहते हैं और जो उठा रहे हैं उसमें यह है कि नीतीश कुमार को बिहार के आम जनमानस की कहीं से कोई चिंता नहीं है, ठीक है। अगर उसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का हवाला देते हुए यह कहा है कि अगर उनको बिहार की चिंता रहती, बिहारियों की चिंता रहती, बिहार के युवाओं की चिंता रहती, किसी क्षेत्र में बिहार के उभरते हुए प्रतिभा की चिंता रहती, तो जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई और उस हत्या को लेकर के कतिपय सवाल उठे कि किसने हत्या की, क्या की, नहीं की, उस पर गंभीरता से सोचने में नीतीश कुमार ने देरी कर दी। और जब चारों तरफ से मांग उठी कि भाई इसमें राज्य सरकार को कुछ पहल करनी चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने भी सरकार से आग्रह किया कि भाई आप सीबीआई जांच वगैरह के लिए पहल करें, तब जाके नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की, ठीक है ना। तो अब चिराग यह कह रहे हैं कि अगर यही काम जो अनुशंसा में जो नीतीश कुमार ने देरी लगाई, अगर वही काम तत्काल उन्होंने कर दिया होता तो हो सकता है कि जो कुछ सबूत वगैरह जुटाने की बात होती है, सबूत मिटाने की बात होती है, तो जो आरोपी होंगे उनको सबूत मिटाने का मौका नहीं मिलता, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कारण सुशांत सिंह राजपूत को और उनके परिजनों को न्याय नहीं मिल पाया, ठीक है ना। तो यह एक मतलब समग्र रूप से उन्होंने बातें कही है। तो और चूंकि चुनाव है तो ठीक है, उसको आप जिस रूप से जोड़ लीजिए, लेकिन इस सवाल की प्रासंगिकता चुनाव के बगैर भी है, ठीक है ना। चूंकि चिराग ने सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का ही मामला नहीं उठाया है, उन्होंने कतिपय ऐसी बातें कही हैं जो आम लोगों को थोड़ा सोचने पर विवश भी करती है और कहीं ना कहीं झकझोरती भी है, ठीक है ना। अब जैसे उन्होंने बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाया हो, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है, बहुत मजबूती से पलायन का मुद्दा उठाया है, पुलिस अधिकारियों की हत्या का मुद्दा उठाया है, तो जो ये तमाम मुद्दे हैं ना, तो कहीं ना कहीं चिंतन का तो विषय है ही और होनी भी चाहिए। अगर कहीं नहीं हो रही है तो यह ठीक नहीं है, और न बिहारियों के लिए है, न बिहार के लिए है, और न लोकतंत्र के सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने वही कहा कि जैसे बिहार में कहीं किसी की हत्या हो जा रही है, ठीक है ना, तो आम लोगों की हत्या हो रही है, उनकी चिंता नीतीश कुमार को नहीं है। अब तो पुलिस पदाधिकारियों की हत्या तक हो गई, उन्होंने समस्तीपुर में थाना अध्यक्ष की हत्या का जिक्र किया, कहा कि वहां भी जाने को नीतीश कुमार को फुर्सत नहीं है, लेकिन वो जो है दूसरे दूसरे राज्य में घूम रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है तो जाके केजरीवाल को जन्मदिन की बधाई देने का समय हो रहा है, लेकिन अगर समस्तीपुर में हत्या हो गई पुलिस अधिकारी की तो वहां जाके उनके परिवार के भी आंसू पोछने चाहिए, या आम लोग जिनकी हत्या हो जा रही है, जो अपराध के शिकार होते हैं, तो उनका आंसू पोछना चाहिए उनको, एक मुख्यमंत्री के नाते, एक राज्य के मुखिया के नाते। तो ये बातें तो हैं, और ये कहने के लिए ही नहीं है, या सोचने के लिए पत्रकार की भी है। हत्या हो गई, अररिया में एक पत्रकार की हत्या हो गई। तो एक पत्रकार की अररिया में हत्या हुई है, फिर पत्रकार के यहाँ हमला भी हुआ है समस्तीपुर तरफ, ठीक है ना।
हाजीपुर में पातेपुर प्रखंड में किसी फाइनेंस कर्मी को गोली मार दी, उनसे रुपए लूट लिए। तो एक एक दिन में जो इतनी अपराध की घटनाएं हो रही है, और जब नीतीश कुमार हाल ही अभी कल ही लौटे दिल्ली से, तो बातें कच्छ पे हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना आंख दिखाने के लिए गए थे और कहीं कोई हमारा मकसद नहीं था। तो चिराग ने तो वहां भी बहुत आक्रामक तरीके से बोला और यह बात रखा कि भैया आंख दिखाने गए थे या आंख मिलाने गए थे, क्या करने गए थे, हम नहीं जानते हैं। लेकिन अब उन्होंने तो चिराग ने तो एक बहुत सवाल उठाया, और गंभीर सवाल है जो आम आदमी का ध्यान भी खींचता है, कि भाई नीतीश कुमार ने यहाँ कैसा बिहार बनाया है कि उनको आंख दिखाने के लिए भी दिल्ली जाना पड़ता है ना। बिहार में तो आपकी चिकित्सा व्यवस्था अगर सुदृढ़ रहती और आप समझते कि हाँ यहाँ काबिल डॉक्टर हैं जो हमारे यहाँ का इलाज बेहतर कर सकते हैं, तो आप यहाँ भी इलाज कर सकते थे, आपको दिल्ली जाने की क्या जरूरत थी। तो एक तरीके से उन्होंने शासन व्यवस्था की कलाई खोलने की माने कोशिश की है। जी तो ये सुशांत सिंह राजपूत का मामला, तो ये तो साफ दिखता है कि राज्य सरकार को जिस तरह से गंभीरता दिखानी चाहिए थी तो दिखी नहीं। और चूंकि चिराग पासवान शुरुआती दिनों में, अपने जीवन के शुरुआती दिनों में तो फिल्मी लाइन से भी जुड़े हुए थे, उन्होंने तो अभिनय भी किया, एक फिल्म में अभिनय भी किया और मशहूर अभिनेत्री के साथ जो आज की तारीख में है, कंगना रनौत के साथ। तो ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर उनकी जो चिंता है वो आज भी कहीं ना कहीं, जो आप बता भी रहे हैं कि उसकी प्रासंगिकता कम नहीं हुई है, तो क्या उस फैकल्टी से जुड़े होने के चलते भी उनकी चिंता आज भी वाजिब है? देखिए, स्वाभाविक रूप से अगर चिराग, चूंकि शुरुआती राजनीति में आने से पहले वो फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने कदम रखा था, ठीक है, सफलता मिली न मिली, लेकिन जब उन्होंने उस क्षेत्र में काम किया है तो वहाँ की जो जमीन जमीनी हकीकत होती है, उसकी क्या दुश्वारियां होती है, वहाँ आगे बढ़ने के लिए, वहाँ स्थापित होने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या तरीके हैं, क्या संघर्ष, वो तो समझते होंगे ना। तो इतने इसमें तो कहीं कोई शंका नहीं है। उनके आप दूसरे रूप में आलोचना भी कर सकते हैं कि उनको संघर्ष कुछ नहीं लगा, हो सकता है उनको कुछ मिल गया लॉन्चिंग पैड, कुछ इधर उधर जो भी बातें हो सकती है, लेकिन उन्होंने वहां अगर गए हैं और उन्होंने तो देखा होगा ना जो वस्तु स्थिति है वहां की। और जब आप देखिए फिल्म की बात करेंगे ना, तो बिहार से सुशांत सिंह राजपूत जी नहीं कट पाए, दर्जन भर चेहरे हैं, ठीक है ना, निर्माता भी हैं आपके, प्रकाश झा भी हुए, आपके मनोज बाजपेयी भी हैं, अभी आपके पंकज त्रिपाठी भी उभरे हैं, और भी कट पे हैं, अभी हम नाम गिनाएंगे तो कभी दर्जन भर नाम हो जाएंगे। लेकिन देखिए फिल्म की जो विधा है ना, वो भी अलग अलग तरीके का उसमें जो है, अब जो मनोज बाजपेयी जिस तरह की भूमिका निभाते हैं या पंकज त्रिपाठी जिस तरह की भूमिका निभाते हैं, और सुशांत सिंह राजपूत जिस धारा में थे, जो फिल्म की जो धारा होती है अलग अलग तरीके की, तो उसमें सुशांत सिंह राजपूत की जो धारा थी ना, उसमें बहुत तरह की बातें हैं। उसमें कहा जाता है कि सिर्फ आप अपनी अदाकारी की क्षमता कहीं बूते नहीं होता है, कुछ बहुत वहां स्थापित होना बहुत मुश्किल है, जिस तरीके से कहा जाता है कि वहां पहले से स्थापित लोग हैं, कुछ घराने हैं उनके, उनका अपना क्या बोलता है, कॉकस वगैरह क्या क्या बोलता है उधर का, तो उसको तोड़ने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन देखिए संघर्ष की जहां तक बात है, तो संघर्ष तो उनका कम नहीं था, कोई मायानगरी में या मुंबई में उनके तो कोई क्या बोलते हैं उसको, तो गॉडफादर तो थे नहीं, वो बहुत जमीनी संघर्ष करके आगे बढ़े और कई चर्चित फिल्में भी की है, वो लोकप्रियता भी मिली और बड़ी तेजी से उभर रहे थे। और कहा तो यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत से जो आज के तारीख में स्थापित, पहले से स्थापित जो चेहरे चले आ रहे थे, उनको कहीं ना कहीं खतरा महसूस होने लगा था। अब क्या है नहीं है तो जांच होती लंबी सही तरीके से, और आती बातें छन करके सब कुछ है तो जो है, लेकिन इतना तो दिख रहा है ना कि जो भी हुआ है वो सुशांत सिंह राजपूत की लोकप्रियता की घबराहट की वजह से ही उनके साथ जो भी असामान्य घटनाएं हुई जो है हुई है, तो स्वाभाविक है। अगर चिराग बोल रहे हैं और चिराग कह रहे हैं, तो हमसे आपसे तो फिल्मी दुनिया की हकीकत को वो ज्यादा समझ सकते हैं ना। और जहाँ स्वाभाविक होता है कि जो जो क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके सुख दुख को बखूबी समझ सकते हैं, तो उनके बारे में खड़े भी हो सकते हैं, उनके साथ में, उनके पक्ष में, और उनके हक की बातें कर सकते हैं, तो उन्होंने की है, तो इसको तो गंभीरता से लेना ही चाहिए। और जी यह भी कि वे सुशांत सिंह राजपूत ने बिहार का नाम बहुत ही, मैंने ये प्रसिद्धि दिलाई और बिहार का नाम किया, तो
तो इसके पीछे वो कहना यह चाह रहे हैं कि चूंकि वो एक्टर नहीं, उनका स्टेटस स्टार के तौर पर स्थापित हो चुका था, और वो स्टार में बिहार के अभी के तो स्टार शत्रुघ्न सिन्हा को एक माना जाता है, तो ये अगर टिके रहते और जीवित रहते तो शायद ये बिहार के लिए तो एक बहुत ये रहता ही, लेकिन एक अच्छे खासे मैंने स्टार में उनका नाम गिना जाता, सुशांत सिंह राजपूत का। हाँ, स्टार में ना शत्रुघ्न सिन्हा के बाद जो बाद के दिनों में तो और भी लोग गए थे, शेखर सुमन वगैरह लोग भी तो गए सब है, और भी थे राजेंद्र नगर के थे, अभी भी फिल्मों में सक्रिय हैं, कोई गोलमाल वगैरह क्या क्या, उनका नाम मेरे जहन लेकिन में वो नहीं सब आ रहा है। एक्टर ही प्रायः रह हाँ गए। हाँ लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के बाद ना जो बोलते हैं ना कि मुख्यधारा की फिल्म और जो क्या मल्टी स्टार क्या बहुत बड़े बजट की फिल्म वगैरह की जो होता है, तो उसमें ये स्थापित थोड़े से बड़ी तेजी से, तो मैंने आपको कहा भी ना कि कहीं ना कहीं से जो पहले से स्थापित चेहरे हैं, जो लोग हैं जो चले आ रहे हैं, जो परिवार है, उनको कहीं ना कहीं इनसे खतरा तो महसूस हो ही रहा था ना, तो इसीलिए तो इस बात को उनकी हत्या को जो है बड़ी गंभीरता से लिया गया और सीबीआई जांच तक की बात उठी और सारी बातें आई, और उसमें वही तो चिराग ने उठाया है कि अगर नीतीश कुमार ने उस समय जल्दीबाजी की होती बहुत मतलब सोचा, तो यही उनका कहना है कि इनको किसी की चिंता नहीं है, इनको बिहार की चिंता नहीं है, यही तो कह रहे हैं ना चिराग, कि इनको बिहार की चिंता नहीं है, बिहार वासियों की चिंता नहीं है, इनको सिर्फ अपनी चिंता है। उसमें तो और भी आगे बढ़ के ना चिराग ने कहा है कि भैया कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान का गला घोटा जा रहा है, तो उन्होंने तो कहा है कि भाई अब किस लोकतंत्र की हत्या के बात कर रहे हैं, लोकतंत्र में जनादेश, जनता का आदेश सर्वोपरि होता है, जनता मालिक होती है, और जनता से आप आदेश लेते हैं कि हम एनडीए के साथ रहेंगे, धक्के को धर के आप महागठबंधन में चले जाते हैं, जनता आपको आदेश देती है कि आप महागठबंधन के साथ आइए, तो आप जो है कूद के एनडीए में चले जाते हैं, तो लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है बताइए। और उन्होंने कहा कि संविधान का गला घोटने की बात है, तो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, और उसके गला घोटने की ताकत वाला किसमें हो जाएगी और किस दल में हो जाएगी, तो यहाँ तक कहा है ना, एक तो आखिरी यही है सवाल, समझने की बात। एक आखिरी जी सवाल कि चुनाव के मौके पर या चुनाव आते हुए को देखते हुए, और चूंकि चुनाव का ही समय अभी है और लगातार साल 2 साल है, तो ऐसे समय में जो मुद्दा एकदम शांत हो गया था और जिसकी चर्चा भी नहीं होती थी, आप उस मुद्दे को उभार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की जो भी मंशा रहे, जो भी जिस तरह की भी राजनीति रहे, लेकिन क्या यह भी है चिराग पासवान के की चाहत या इच्छा कि प्राय सभी वर्गों के जो समस्याएं हैं या जो उनके मुद्दे हैं उनको उठाया जाए और उनको उठा करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया जाए? देखिए, आप चिराग जिन मुद्दों को आज नहीं पहले से भी उठाते रहे हैं, जो देखिए ये जो सुशांत सिंह राजनेता है, राजपूत वाला तो मामला अभी ताजा। हाँ, तो वो चूंकि राजनेता है, तो जो बातें कहते हैं उसको राजनीतिक चश्मे से देखने की ठीक है गुंजाइश है, और चुनाव है तो जाहिर तौर पर उसको उस चश्मे से भी देख सकते हैं, लेकिन उठाने को आप इस रूप में देखिए कि जो सरकारों के लिए या नीतीश कुमार के लिए या जो भी हो जिसके साथ हो, सरकार में रहे हो उस समय, जिसके साथ रहे हो आज, जिसके साथ रहे हो, जो सवाल है, जो जनता से जुड़े सवाल है, जो सूबे से जुड़े हुए सवाल है, सूबे की अहमियत का सवाल है, उन सवालों की अनदेखी किस तरीके से शासन और शासन शीर्ष में बैठे लोग करते हैं, ठीक है ना, इसको देखने की जरूरत है, और इसको राजनीतिक चश्मे से अलग, ठीक है चुनाव का मौसम है तो देख लीजिए, वहां भी है गुंजाइश है, लेकिन इस बात को इस रूप में देखिए कि आखिर यह सवाल है कि नहीं है, और सवाल अगर ठंडे बस्ते में चाहे जिस कारण से जिसने भी डाला हो, तो क्या डालना उचित था, क्या हमारे बिहार की एक उभरती प्रतिभा का जो देश दुनिया के स्तर पर अपना नाम कर रहा था, उसकी क्या बोलते हैं अकाल मौत हो गई या हत्या हो गई, जो भी हो गई, बावजूद इसके हमारे शासन को यह चिंता नहीं हुई कि हम उस हत्यारे को पकड़े, उसको सजा दिलाए, ताकि भविष्य में हमारी कोई भी प्रतिभा जो है इस तरह
क्या कहते हैं, इस तरह का आश्रय नहीं प्राप्त कर सके। तो यह तो है और यह गंभीर मसला है, इसको चुनाव के नजरिए से ही नहीं देखिए, और देखना है तो देखने की भी गुंजाइश है, वो तो ठीक है, राजनीति में चलता है ना। लेकिन उठा करके उन्होंने अच्छा काम किया, और सिर्फ अभी सुशांत सिंह राजपूत के ही मामले में, और भी जो कुछ मामले होंगे, जो ऐसे कुछ मामले आते हैं और ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं, वह ऐसे मुद्दे नहीं है कि आप राजनीति के लिए ही उसका इस्तेमाल करें। ये बिहार के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और यह बिहार का मुद्दा है, जनमानस का मुद्दा है, तो इस बात को संजीदगी से समझने की जरूरत है। और चूंकि राजनीति, जो लोकतंत्र में राजनीति की अहमियत है, शासन की अहमियत है, कहता है लोकतंत्र है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, तो आप अगर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, आप जनता के चुने हुए शासक हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी है। जी बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्ते।